नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE विद HSM में। इससे पूर्व वीडियो में हमने गोल्डन प्रोजेक्ट पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम गोल्डन प्रोजेक्ट पार्ट थर्ड के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 33 क्वेश्चन से। 33 क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणु कोशिकाओं को भी संक्रमित कर सकते हैं। सूक्ष्म जैविकी का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? सूक्ष्म जैविकी का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। वे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं यूकेरियोट्स कोशिकाएं कहलाती है। यूकेरियोट्स कोशिकाएं वे कोशिकाएं होते हैं जिनमें सुसंगठित एवं सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37। कोशिकी वृद्धि एवं परिवर्धन करते हुए नवीन कोशिकाओं को जन्म देती है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? यह कथन है रुडोल्फ विर्चोव का। यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह कथन किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चोव ने दिया है। पृथ्वी पर प्रथम उत्पन्न प्रारंभिक सजीव थे तो अविकल्पी और अवायवीय थे। जी द्रव्य शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे पुरकुंजे। कोशिका का सजीव पदार्थ है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को कोशिका का सजीव पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। जीवित कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वप्रथम देखी गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम सजीव कोशिकाएं देखी गई थी। और निर्जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें कॉर्क कोशिकाओं का वर्णन किया गया है, तो पुस्तक का नाम क्या हमारे पास में? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक ने लिखी। 43 क्वेश्चन है, केंद्रक या केंद्रिका का न्यूक्लियोलस की खोज इल मछली की त्वचा में 1781 में किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा फोन्टनाने केंद्रक या केंद्रिका की खोज की। और किस्म की है? इल मछली की त्वचा की कोशिकाओं में की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 44। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो तंत्रिका कोशिका को मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। न्यूक्लियोइड पाया जाता है प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए सामान्यतः रहता है वृत्ताकार। कायिक कोशिकाओं के केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात होता है 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। पर्णहरित का कृत्रिम संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखे, तो रॉबर्ट वुडवर्ड 1960 ने कृत्रिम संश्लेषण किया है किसका? पर्णहरित का। किस वैज्ञानिक ने नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन का उपयोग करके मेंढक का क्लोन बनाया जो कशेरुकधारियों का पहला क्लोन था? तो जॉन गार्डन 1967 ने। वैज्ञानिक ने नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन का उपयोग करते हुए मेंढक का क्लोन तैयार किया। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक का नाम लिखिए, तो शिवराम कश्यप वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने भ्रूण की पादप ब्रायोलॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए इन्हें ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चनों का जो विवरण है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, उनके संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।